केएमपी एक्सप्रेसवे से इस वक्त हमारे संवाददाता कुमार कुणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, क्योंकि केएमपी एक्सप्रेसवे आज एपी सेंटर है, केंद्र बना हुआ है इस आंदोलन का, क्या ताजा तस्वीर आप देख पा रहे हैं, क्या अपडेट है? देखिए नेहा, हम आपको ताजा तस्वीरें दिखाते भी हैं और आपको यहाँ से पूरा माहौल आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हम ट्रैक्टर के साथ आज तक आपको लाइव ले चल रहा है। ये पूरी रैली हमारे साथ चल रही है इस वक्त और ये तस्वीरें आपको बताने के लिए काफी हैं कि अभी हम लगभग 3 घंटे से इसी ट्रैक्टर रैली के साथ चलते चले आ रहे हैं और ये ट्रैक्टर रैली बाकायदा लगातार चलती चली जा रही है एक्सप्रेस वे पर। आज जो योजना थी वो यही था कि 26 जनवरी का एक तरीके से रिहर्सल परेड होगी, ट्रैक्टर परेड, जो योजना है किसानों की कि अगर बात नहीं बनती है तो शक्ति प्रदर्शन है ये किसानों का। ट्रैक्टरों के जरिए ट्रैक्टर पर झंडे लगाए गए हैं, तिरंगा झंडा है, किसानों का झंडा है और हर तरीके से लगातार सरपट दौड़ते ये ट्रैक्टर है जो हम आपको सीधी तस्वीरें केएमपी एक्सप्रेस वे से इस वक्त दिखा रहे हैं आज तक के दर्शकों को कि किस तरीके से इस समय माहौल है। पुलिस का भी प्रबंध है, कोशिश ये की जा रही है कि ट्रैफिक भी ना रुके, लेकिन हम भी साथ साथ ट्रैक्टरों के साथ साथ लगातार आज तक के दर्शकों को भी ये बताते चले कि किसान अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। कल बातचीत है किसानों की सरकार के साथ, मंत्रियों के साथ, उससे पहले ये एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन ये दिखाने के लिए कि सरकार या तो उनकी बात माने नहीं तो आगे आंदोलन और तेज हो सकता है। आंदोलन और तेज करने की चेतावनी पहले ही किसानों ने जारी कर दी थी। उन्होंने कहा है कि आज का प्रदर्शन महज ड्रेस रिहर्सल है, असली प्रदर्शन दरअसल 26 जनवरी को किया जाएगा। लेकिन संख्या देखिए, ट्रैक्टर्स लगातार ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, केएमपी एक्सप्रेसवे और जिन जिन बॉर्डर्स पर किसानों को लगता था कि यहां से ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, वहां पर इस वक्त वो मौजूद है और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा ट्रैक्टर मार्च सुबह से ही हमने तस्वीरों के जरिए देखा है, दरअसल ये महज एक चेतावनी है। किसानों का खुद ये कहना है कि बातचीत की टेबल पर कई बार जो पॉइंट्स रखे गए उनकी तरफ से उन्हें नहीं माना गया है, इसी के चलते इस प्रदर्शन को और ज्यादा तेज करने की कवायद है। मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर मौजूद थी, उनकी रिपोर्ट देखिए। किसान रैली लगातार जारी है और इस ट्रैक्टर रैली के जरिए किसान सरकार को बड़ा मैसेज देना चाहते हैं। भोजपुर के ये तमाम किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सरकार ने दो मांगे मान ली हैं, दो मांगों पर कहा जा रहा है कि आप लोग गड़े हुए हैं, बता नहीं रहे कि संशोधन क्या किया जाए। आप कह रहे हैं तीनों कानून रद्द कर दीजिए, क्या कहना है आपका? आप बोलेंगे क्या कहना है? मैं ये कहना है कि जो हमारे सब संस्था हैं, जो संगठन के जो भी किसान हैं और जो इस चीज को कहना चाह रहे हैं, जो मांग उन्होंने दो माननी है, पहले कि हम कह रहे हैं कि हमारे ये अपने बिल है वापस ले लो, वापस ले लो, हमें अपना, हमें दो वर्ष विरोधी में तो नहीं चाहिए। हमें आपकी जो संशोधन आप करना चाह रहे हो, हमें चीज में सहमति नहीं है, हमें तो बिली वापसी कर, अपना तो वापसी करो। लेकिन अच्छा ये बताइए, सरकार ने तो बहुत सोच समझ के लाई होगी ना, तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है बिल में? किसान अगर सरकार जो सोच समझ के ला रही है और हमारे बारे में सोच रही है तो हम तो यही कहना चाह रहे हैं, तो हमारे बारे में सोच रहे हो, हमें चीज नहीं चाहिए, हमें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो कहा जा रहा है कि अच्छा है, उससे किसानों को फायदा, उसमें कोई फायदा, मौसम की मार पड़ेगी तो भी उससे बच जाएंगे लोग। ये सिर्फ किताबों में लिखा तो होती है, लिखाई जाती है तो प्रैक्टिकल होता है, वो नहीं होता, प्रैक्टिकल नहीं होता, सिर्फ किताबों में लिखा जाता है, कापियों में लिख के दे दिया, मान लिया की बात। आप सब लोग भोजपुर से आए हैं, किस चीज की खेती करते हैं आप लोग? गन्ना। गन्ने की खेती करते हैं, क्या क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड यही है कि बिल वापस लिया जाए और गन्ने का पेमेंट हो। गन्ने की पेमेंट नहीं हुई है? नहीं जी। और ये 2,000 रुपए भी तो मोदी जी ने खाते में पहुँचाए हैं? ये तो 10% लोगों के आए हैं जी, नहीं 90% नहीं आए। देखिए ये गन्ना और किसान है, गन्ने की मिठास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है हिंदुस्तान की और खास तौर से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो। लेकिन यहाँ पर इन किसानों की यही डिमांड है कि जब तक तीनों कानून को रद्द नहीं किया जाता, गन्ने का पेमेंट नहीं किया जाता, हम हटेंगे नहीं। लेकिन कहा ये भी जाता है दादा कि विपक्ष आप भड़काने का काम कर रहा है। नहीं, विपक्ष के लोग अपनी राजनीति तो किसानों के कंधे पर नहीं साधना चाहते। नहीं, कोई नहीं भड़का रहा, कोई नहीं भड़का रहा। आपको लग रहा है कि कोई नहीं भड़का रहा है? हाँ, ये दिख नहीं रही इतनी पब्लिक। विपक्षी पार्टी का रोल कैसा नजर आता है आपको? दूसरा और लोग विपक्षी पार्टियों का रोल एक ही आदमी बोलेंगे।
हाँ जी, आप लोग भी बताइए डिमांड क्या है आप लोगों की। डिमांड यही है ये बिल माफ हो जावे, वे खत्म हो जावे, हाँ। बस और के गन्ने का पेमेंट दिया जावे, हाँ। ओ, ओ, बस यही है, ये खत्म हो जावे। इससे कम पे आप लोग नहीं बांटेंगे। आप दादा क्या कहना चाहेंगे, कहाँ के हैं? भोजपुर। भोजपुर के हैं, गन्ने की खेती करते हैं अभी, तो क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम तो चाहे तीनों कानून वापसी ले लेंगे बस। लेकिन कल ये जो बैठक होनी है उसके ठीक पहले आप लोग ये ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं, तो इसके जरिए अगर आप अपनी ताकत दिखाएंगे तो सरकार को लगेगा कि ये ताकत दिखा रहे हैं, बातचीत भी करना चाहते हैं, रास्ता कैसे निकलेगा? इसका रास्ता कुछ नहीं है, हम जो अपनी रैली कर रहे हैं ये सिर्फ किसानों की मदद करने के, हमारे भाई बैठे हैं उनके, जिससे गवर्नमेंट को ये लगे, जो सरकार है कि जिससे कि किसानों में एकता है और जो चाहते हैं वो चीज हो जी, जो हमारे बिल पे हम ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं उसे वापस लो, और हम जो अगर आप वापसी ले लोगे तो हमारा भी काम यहाँ से हट जाएगा। ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको बताते हैं कि कल एक बार फिर से किसान और सरकार आमने सामने होंगे, और यहाँ पर देखिए एक तरफ ट्रैक्टर है, दूसरी तरफ ये ट्रॉली, और इसके जरिए किसान आगे की ओर बढ़ते हुए, और इस रैली के जरिए किसान ये बताना चाहते हैं कि जब तक आप हमारी इन दोनों ही मांगों को पूरा नहीं करते हैं हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। एक तरफ दिल्ली बॉर्डर को घेर कर किसान लगातार कई दिनों से बैठे हुए हैं, आज भले ही यहाँ हल्की धूप आपको दिखाई दे रही हो लेकिन आपको बता दें बीते 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, दिल्ली के कुछ हिस्सों में ओले भी गिरे, किसानों का पूरा जो सामान रखा हुआ था, जो बिस्तर थे वो पूरे गीले हो गए थे। आज मौसम जरूर मेहरबान है, किसान रैली मौसम की वजह से भी आप सक्सेसफुल कह सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद ट्रैक्टर और ट्रॉली आगे की ओर बढ़ते हुए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो दो बड़ी मांगे हमको लेकर सरकार अगला क्या रुख अपनाएगी, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। कैमरा पर्सन सत्या के साथ चित्रा त्रिपाठी, पेरिफेरल एक्सप्रेस वे आज तक। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।